अस्सलामुअलैकुम। आज हम काली मिर्च गोश्त बना रहे हैं। उसके लिए हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। हम प्रेशर कुकर में दो प्याज डाल देंगे मीडियम साइज़ की। प्याज को हमने पतला पतला स्लाइस किया है। साथ में हम इसमें मटन डालेंगे। ये 500 ग्राम मटन है, वॉश करके अच्छी तरह हमने सुखाया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर, 1 टीस्पून नमक, आधी चुटकी हल्दी पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं। फ्लेम को ऑन किया है हमने। हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स किया है। हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, अभी पानी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि गोश्त और प्याज दोनों का पानी छूटता है। बस इसी तरह हम गोश्त को अच्छी तरह गलाएंगे प्रेशर कुकर का लिड बंद करके। हम पहले हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे एक विसल तक, बाद में फ्लेम को लो करेंगे और 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। गोश्त गलने के टाइमिंग आपके प्रेशर कुकर पर और आपके गोश्त पर भी डिपेंड होता है। वो हिसाब से आप उतनी देर पकाएं और गोश्त को अच्छी तरह गला लें। मटन को हमने गला लिया है, प्रेशर कुकर खोल के चेक कर लेते हैं। मटन बहुत अच्छी तरह गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। हम फ्लेम को ऑन करेंगे और अच्छी तरह से इसे ड्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर हमने इसे चलाते हुए फ्राई किया है। बस हम अब इसके अगले स्टेप पर जाएंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। एक पैन में हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। उसमें हम 4 हरी इलायचियाँ डालेंगे, 4 लौंग, 2 टुकड़ी दालचीनी के डालेंगे। फ्लेम को ऑन करके हमने लो पर रखा है। आधी मिनट के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। चॉप किए हुए लहसुन से फ्लेवर अच्छा आएगा। साथ में हम 4 से 5 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे इस तरह से स्लिट करके। मिर्चियों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें, जिस तरह आपके घर में खाते हैं। फ्लेम लो है, बस लहसुन को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। लहसुन हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। यहाँ हमने कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं। हमें कुटी हुई यूज़ करनी है, पाउडर यूज़ नहीं करना है। इसमें से हम तकरीबन 1 टीस्पून भरकर डाल देंगे। हम काली मिर्च गोश्त बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काली मिर्च हम ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्लेम को लो रखना है। काली मिर्च डालने के बाद बस आधी मिनट हम चलाते हुए इसे पकाएंगे। फिर हम इसमें मटन डाल देंगे। प्रेशर कुकर में 1 से 2 टेबलस्पून हमने पानी डाला है, इसे भी डाल देना है। 2 टेबलस्पून दही, ज़्यादा ना डालें, बस 2 टेबलस्पून काफ़ी है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को पहले हम मिला लेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने दही डाला है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने फ्लेम को हाई किया है। हाई फ्लेम पर जब ये इस तरह से बॉयल होने लगेगा, हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो दही भी पक जाएगी और तमाम चीज़ें अच्छी तरह भुना जाएगी, तेल भी ऊपर आ जाएगा। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा था। माशाल्लाह, ज़बरदस्त तरीके से काली मिर्च गोश्त बनकर तैयार हुआ है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, ये ड्राई होता है। बस ये परफेक्ट लग रहा है हमें। बस बाकी की 1-2 चीज़ें डाल देंगे तो ये कम्प्लीटली डन हो जाएगा। हरा धनिया काफ़ी सारा डालेंगे, अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं, पहले हमने 1 टीस्पून डाला था, अभी हम 2 टीस्पून और डालेंगे। ये पॉइंट पर एंड में डालने से काली मिर्च का फ्लेवर बरकरार रहता है और बहुत ही अच्छा आता है। हम इसमें थोड़े अदरक के जूलियंस भी डालेंगे, मिलाएंगे तमाम चीज़ों को। काली मिर्च गोश्त खाने में बहुत अच्छी लगती है और मज़े की बात यह है कि ये फटाफट बन जाती है और हमें कोई भी चीज़ जो फटाफट बनती है और टेस्टी भी होती है बहुत पसंद है। हमारे घर में इसे बहुत पसंद करते हैं, हम चिकन में मटन में इसे अक्सर बनाया करते हैं। तंदूरी नान की रेसिपी भी हमने अपलोड की है, जिसमें आपको ओवन तंदूर की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही तवे पर बना सकते हैं। आप ज़रूर से काली मिर्च गोश्त और तंदूरी नान बनाएं, ये कॉम्बिनेशन बनाकर हमें ज़रूर बताएं ये किस तरह बना, कैसा बना और सबको पसंद आया कि नहीं। बस तमाम चीज़ें डालने के बाद हमें पकाना नहीं है,
आधी से एक मिनट हमने पकाया है और फ्लेम को बंद कर दिया है। काली मिर्च गोश बिल्कुल तैयार है।